हेलो एंड वेलकम। इंडियन हिस्ट्री मॉडल के लिए हम कर रहे थे लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने किया था, हमने डिस्कस किया था और कैसे जो है फर्स्ट वाइसराय बनते हैं इंडिया के। इसमें हमने एक्ट्स भी डिस्कस किए थे, एक एक्ट डिस्कस किया था एक्ट ऑफ 1858 और क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एक्ट ऑफ 1861 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ 1861 को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कहा जाता है इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब इसके क्या फ्यूचर है? इसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसे भी फ्यूचर्स की वजह से कहा जाता है। फ्यूचर्स क्या है इस एक्ट के, वो देखते हैं। फ्यूचर्स क्या, यहां से शुरुआत होती है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की। इट मेड द बिगनिंग of representative institutions in India. इस एक्ट में शुरुआत होती है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इंडिया में शुरू होते हैं इस एक्ट में। By associating Indians with the lawmaking process. अब क्या होता है कि इंडियन को एसोसिएट किया जाता है, इंडियन को जोड़ा जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ। As per the Act, Act के अकॉर्डिंग Viceroy should nominate some Indians as non-official. एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि वायसराय कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा, सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ दिस एक्सपेंडेड काउंसिल, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। समझ में आ रहा है आपको? इसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसलिए कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और इस एक्ट के हिसाब से वायसराय क्या करेगा, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर अपनी उसकी वायसराय की जो काउंसिल होगी उसमें इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है कुछ इंडियंस को जो है वो वायसराय अपॉइंट करेगा। अब क्या होता है 1862 में क्या होता है, कैनिंग कैनिंग नॉमिनेट करता है कुछ इंडियंस को। कैनिंग नॉमिनेट किस किस को? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला,
एंड धीम कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया इस एक्ट में यह था कि वाइस चाय क्या है, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी काउंसिल का। वही होता है 1862 में क्या होता है, कैनिंग नॉमिनेट करता है 3 इंडियंस को, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और जिनकर राव को नॉमिनेट करता है नॉन ऑफिशियल मेंबर अपनी काउंसिल का। अब ये एक्ट क्या करता है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को ये स्टार्ट करता है। पहले सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, पहले सब कुछ सेंट्रलाइज होता है और कैनिंग क्या करता है, कौन सा प्रोसेस इनिशिएट करता है, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या होता है, एक्ट ऑफ 17 रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, सेंट्रलाइज किया जाता है पावर को और लेजिस्लेटिव पावर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा है आपको याद होगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लेजिस्लेटिव पावर ले ली जाती है। अब कैनिंग क्या करता है, कैनिंग अब पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और दोबारा लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाती है किसको, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को। इट दस रिवर्स्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को रिवर्स करता है, सेंट्रलाइजिंग tendency that started from the regulating act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833। रिवर्स करता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज कब किया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, ठीक है, और रीच होता है इसका क्लाइमेक्स कब तक, रीच इस क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 जो है सेंट्रलाइज रहता है। उसके बाद जो है कैनिंग आता है और कैनिंग क्या कर देता है, प्रोसेस को जो पावर्स है पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके दोबारा से जो लेजिस्लेटिव पावर ले ली जाती है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, उनको जो है वो लेजिस्लेटिव पावर दोबारा दी जाती है। यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस एक्ट में क्या होता है कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश होती है। इट ऑल्सो provided for the establishment of new legislative councils at Bengal North West Frontier Province and Punjab which were established in 1862, 1866 and 1897 respectively।
एक्ट के तहत मैंने आपको कहा था पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है तभी तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, तभी तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनाई जा रही है, एस्टैब्लिश की जा रही है कहाँ पे, बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड डब्ल्यू एफ पी बी से कहते हैं और पंजाब, वो कब इस्टैब्लिश होती है 1862, 1866 और 1897 में इस्टैब्लिश की जाती है इसी एक्ट के तहत। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत क्या होता है, ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट and was authorized to issue final orders। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट के तहत जो है उस पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, जो मेंबर होगा वाइसराय काउंसिल का उससे चार्ज दिया जाएगा एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का और उसे ऑथराइज किया जाएगा कि वो ऑर्डर्स जो है वो इशू कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट इम्पावर करता है, इट इम्पावर्ड वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, वाइसराय को ये एक्ट पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू करे बिना अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंसर्न किए, विदाउट विदाउट द कंसर्न ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 months। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है कि वाइसराय को एम्पावर किया जाता है, पावर दी जाती है कि आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं बिना अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंसर्न किए, और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी, ये ऑर्डिनेंस कितनी देर तक रहेगा, ये ऑर्डिनेंस 6 months तक रहेगा। यह था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कहने के टाइम में तीन मैंने आपका दो एक्ट आए थे 1858 का, 1861 का, और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है कहने के टाइम में। अब कहने के टाइम में बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आता है 1861, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। अब इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में क्या होता है, एज पर द एक्ट any person whether Indian or European could be appointed to any of the office
provided that he had resided minimum of 7 years in India and had to pass an exam in vernacular language of the district in which he had to be employed. अब इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ये कहता है कि इस एक्ट के तहत कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, गवर्नमेंट जो है उसे ऑफिस में अपॉइंट करेगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट ही हैज दैट कोई भी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे 7 ईयर मिनिमम इंडिया में रहा होना चाहिए और उसे पास करने पड़ेगा एग्जाम वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज में इसे एग्जाम पास करना पड़ेगा। यह था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। यहां तक नोट डाउन करें, अगले रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद आता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, आता है 1861 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। द हाई कोर्ट High Court of Fort William was established on July 1st, 1862। High Court of Fort William कब establish होता है? July 1st, 1862 में फर्स्ट हाई कोर्ट होता है इंडिया का, वो जिसे क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता हाई कोर्ट, लेटर नोन एज द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट कहा जाता है, और ये फर्स्ट हाई कोर्ट होता है इंडिया का, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ में आया आपको? हाई कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम July 1st, 1862 में एस्टेब्लिश होता है, बाद में से कलकत्ता हाई कोर्ट कहा जाता है और यह फर्स्ट हाई कोर्ट होता है इंडिया का। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन होते हैं? सर बर्नेस्ट पीकॉक फर्स्ट चीफ जस्टिस। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके कौन से होते हैं? सर बर्नेस्ट पीकॉक फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के या हाई कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम के। इन 1863 जस्टिस शंभुनाथ पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए जज इन दिस कोर्ट। 1863 में जस्टिस शंभुनाथ पंडित पहले इंडियन होते हैं जो इस हाई कोर्ट में ऐसे जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। ये था हाई कोर्ट एक्ट 1861। उसके बाद इंडियन पैनल कोर्ट जिसे आईपीसी कहते हैं, इंडियन पैनल कोर्ट
द इनिशियल स्केच ऑफ आईपीसी, द इनिशियल स्केच ऑफ आईपीसी वॉज ड्रॉन बाय, मैंने आईपीसी के बारे में थोड़ा सा आपको इंडिया के लॉ कमीशन के बारे में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पढ़ाया था। जो इनिशियल स्केच होता है आईपीसी का वो किसने ड्रॉन किया था, ड्रॉन बाय मोकाले इन 1830 में मोकाले ने ड्रा किया था, ड्राफ्टेड हुआ था कब, इन 1860 में से ड्राफ्ट किया गया था, 1860 में से ड्राफ्ट किया गया था और लागू कब किया गया, एंड केम इनटू फोर्स इन 1862। इंडिया का लॉ कमीशन बनता है, जब आपने वीडियो देखी आपको याद होगा, मकाले उसके चेयरमैन होते हैं, इनिशियल स्केच जो होता है आईपीसी का वही ड्रॉन करते हैं, वो ड्राफ्ट किया जाता है इसे कब 1860 में, और इसे लागू किया जाता है 1862 में 1862 में। ये था आईपीसी। आईपीसी के बाद इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, इनकम टैक्स रिफॉर्म, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेम्स विल्सन कहने के टाइम में फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया का बनाए जाते हैं जेम्स विल्सन, और वो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेम्स विल्सन एट द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम विद द इनकम ऑफ 500 और मोर इन अ ईयर। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के द्वारा, इनका नाम होता है जेम विल्सन, और इंटरेस्ट चार्ज होता है 5% साल का, जिसकी इनकम सालाना इनकम 500 या 500 से ज्यादा होगी उसमें इनकम टैक्स जो है वो लगेगा, कितना 5% उस पर इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद टी मेनिया, टी मेनिया क्या होता है, सेल और रीसेल किया जाता है टी गार्डन्स को, सेल एंड रीसेल ऑफ टी गार्डन्स, और इसमें क्या होता है यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जाती है, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटी ऑन द लाइंस ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइंस ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज इस्टैब्लिश की जाती हैं कौन कौन सी, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटी, जैसे लंदन की यूनिवर्सिटी होती है उसी बेसिस पे ये तीनों यूनिवर्सिटी को इस्टैब्लिश किया जाता है, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल्स ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कर लें। और इस टाइम में क्या होता है इंडिया में रेलवे लाइन बिछाई जाती है कलकत्ता से इलाहाबाद, और नाम दिया जाता है ईस्ट इंडिया रेलवे वॉज ओपन बिटवीन कलकत्ता एंड
अलाहाबाद इन 1861। 1861 में कलकत्ता से अलाहाबाद के बीच ट्रेन चलाई जाती है, नाम दिया जाता है ईस्ट इंडिया रेलवे। इसे ओपन किया जाता है कलकत्ता और अलाहाबाद के बीच में कब, 1861 और 18। अब होती है इस टाइम में इंडिगो मूवमेंट होती है, इंडिगो मूवमेंट को क्या कहा जाता है, नील विद्रोह मूवमेंट। ये कब से कब तक, 1859 से लेके 1860 में चलती है, 1860 तक चलती है। अब यहाँ पे रिवॉल्ट होती है यूरोपियन प्लांटर्स और इंडियन पीजेंट के बीच, रिवॉल्ट बिटवीन यूरोपियन प्लांटर्स एंड इंडियन पीजेंट्स। इंडियन पीजेंट और यूरोपियन प्लांटर के बीच में रिवॉल्ट होती है। अब रिवॉल्ट के कारण जो है वो क्या होते हैं, रिवॉल्ट का कारण ये होता है कि इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड होती है यूरोपियंस कंट्रीज में, और इसलिए जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं इंडियन को फोर्स करते हैं, जबरदस्ती जो है उन्हें कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडिगो की जो है वो आप पैदावार करें। रिवॉल्ट बिटवीन यूरोपियन प्लांटर्स एंड इंडियन पीजेंट ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप, द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स इंडियन टू ग्रो मोर इंडिगो। यूरोपियन प्लांटर्स इंडियन को फोर्स करते हैं इंडियन पीजेंट को कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडिगो जो है वो ग्रो करें। हिंदू एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड, इन दोनों हिंदू एंड मुस्लिम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदू एंड मुस्लिम पार्टिसिपेट इन इट, और इसके मेन लीडर होते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। मेन लीडर्स वर दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। यहां तक जो था आपका कैनिंग, वायसराय कैनिंग के बारे में हमने ये चैप्टर जो था ये कंप्लीट कर लिया।